चलो इस धरती को रहने योग्य बनाए, सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाए। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुनने चा 90.4 MHz में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो आपन रेडियो आपन बात, और मैं छु आप लोगों के रेडियो दगड़ी नारायण मेहता। श्रोताओं जैसे कि आपको मालूम छ कि प्रत्येक वर्ष 5 जून हिंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जा। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून हिंगे मनाई जा। वर्ष 1972 में पर्यावरण प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लौनक लीजिए, ये दिवस के मनोनय घोषणा संयुक्त राष्ट्र करी। जैक लीजिए 5 जून बटिक 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा बाद शुरू करेगा। यह कई गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित छ और पर्यावरण समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्राथमिक आउटरीच दिवसक प्रतिनिधित्व कर। श्रोताओं 5 जून 1973 हैं पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाई गयो, तब बेटी यो समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जस पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ोना के लिए एक मंच रहो। श्रोताओं पर्यावरण दिवस शुभ अवसर पर हर वर्ष एक न एक थीम यानी विषय के लिए गहन चिंतन मनन करी जा। अगर हम बात करनो वर्ष 2023 में के विषय के लिए बात करी गए, तो श्रोताओं 2023 में जो थीम थी उची प्लास्टिक प्रदूषण समाधान के लिए, जैमे अजय वर्तमान में बहुत सारा काम करने बहुत ज्यादा आवश्यकता छ। और ये वर्ष जो थीम यानी विषय छ उछ हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन पर केंद्रित छ। श्रोताओ यस नहते कि हमार पहाड़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग चिंतित नहते, याले बहुत सारा लोग हमार पर्यावरण के सुरक्षित रखना के लिए बहुत सारा काम निरंतर करते रोनी। आज हमारे बीच में ये शुभ अवसर में टेलीफोनी कार्यक्रम माध्यम जुड़ल जनमैत्री संगठन बैठक बची सिंह बीस जी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर काम करते रोनी और उनार काम गए उत्तराखंड सरकार सराहते हुए वर्ष 2021 में उनुगे मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड गोल कीपर पुरस्कार द्वारा ले सम्मानित करेगो। वो हमारे साथ टेलीफोनी कार्यक्रम में बन रहे, तो सबू है पहली बची सिंह जी अपन बहुत बहुत स्वागत छे हमारे यो खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार सबन के जी। तो जैसे कि आपको मालूम छे कि आज हम पर्यावरण दिवस मनो नहीं, तो अगर हम बात करनो पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो क्या आज हमारे पर्यावरण संरक्षित छ, क्या कंचालाई के लिए राफू? हमारे श्रोताओं के बहुत बहुत नमस्कार छे। मैं यो बतौन छ कि दुनिया में कहीं ले हो पर्यावरण एक चिंता आज बहुत ज्यादा करी जने। हमार अपन परिवेश में ले पर्यावरण की हालत बहुत बढ़िया नहते हैं, और पर्यावरण माने जैमे हमारे जीवन चला, जैमे हमार वन पंछी रहने, जैमे हमार पेड़ रहने, जैमे हमार नदी और हमार जल स्रोत रहने, और मिलकर जो परिवेश बना, जो वातावरण बना, वो हमारे पर्यावरण छ। और ये पर्यावरण की जो स्थिति छ आज बहुत गंभीर छ, और ये लगातार ये में असंतुलन पैदा होना और जैक व्हील अलग अलग तरीके समस्या ले हमारे बीच में दिखीन पड़ गई। जी जी, तो एक चीज और बताओ कि लेकिन आपके लिए अपन संगठन के माध्यम से बहुत सारा काम पहाड़ों में करने का मौका मिलो, तो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण के बेहतर बनाने के लिए अपन द्वारा क्या यश प्रयास करी जिनी वर्तमान में, जैसे हमारे श्रोता ले जाने चाल जनमैत्री माध्यम में? निश्चित रूप से हम बहुत लंबा टाइम बटी, हम 1992 बटी अपन परिवेश की चिंता करनो, अपन पर्यावरण की चिंता करने में लाग रहे हैं। हमारे सरकार संगठन श्रेणी ले छे, हमारे भाई लोग ले छे, और आसपास किसान और तमाम बागवान लोग ले शामिल छे। जनमैत्री संगठन तो एक कनेक्टिंग फोरम छे, एक रचनात्मक मंच छे, या कोई संस्थान है,
और यो कोई रजिस्टर्ड एनजीओ लेने थे। लेकिन हमार जो काम थे वो अलग अलग तरीके अलग अलग समय में करी गई। मुख्य रूप से हमें जो चिंता आज ये वर्तमान समय में जो मौसम और तमाम परिस्थिति के देखे हुए हम लोग करने हैं वो ये अच्छे कि हम पिछले साल जो रामगढ़ नदी अध्ययन यात्रा करी और एलेबेर हमूल पोखराड़ और रामगढ़ नदी अध्ययन यात्रा करी बात जी वीक आसपास होने लोगों के संवाद करो और उन्होंने अगर बातचीत करी कि हमार जल स्रोत हमार नदी पोखर कैसी सूखनी और कैसे हमारे जंगलों में सघनता कमजोर होने और तके बचोना लीजिए हमारे पास भी रचनात्मक सफलता उदाहरण छे। जय में बेटी मैं बता सकूं कि हमारा जो बुरासी ग्राम पंचायत छे जो धारी विकास खंड में नैनीताल जिले में बुरासी ग्राम पंचायत में नौलागेर में एक 250 साल पुरान नाव थी जो बिल्कुल बंद है गई थी। आज दिन में ये नाव के लोगों ने खोली हालो समदाना माध्यम और उनमें पानी निकल रहा जी जो बहुत ही उपलब्धि छे। और दूसरा जो उदाहरण छे कौल ग्राम पंचायत में जो उलेधारी ब्लॉक में से कौल ग्राम पंचायत में हमारे दगड़ियों सहयोग है कौल में जो ये पुराना धार छे और नौ लची हुई दिखा ले तो उसी नौ में 1993 बटी बिल्कुल पानी थी उले हेतु उले कम से कम 250 साल पुरान पांच छह पीढ़ी सात पीढ़ी पानी सोच और जगह 20 मई में समदान करो लोगों और उमे जो से एक रातों रात में इतु पान निकलना आप लगातार कि जैक भी लोग उत्साहित थे और लगातार समदाना द्वारा ये द्व्यादी जल स्रोतों जनर में जिक्र करनी इनके बचना ऊपर काम करने में लाग रही और लोग जैक भी देखनी वील प्रेरित होनी और ये सोचनी कि तमाम रूढ़ पड़ रहे तू गर्म हरो बिल्कुल गर्मी में ले इस जगह में जो पारंपरिक स्रोत थे इनमें पानी निकलना तो एक मतलब छिके और रख रखाव और अपन परिवेश देखभाल ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यो भी उदाहरण छे जनु के हम आज तत्काल में समझ सकनु जी बिल्कुल बहुत भल प्रयास बात अफुल करी और अफुल कह के अपन हमारा नजदीकी क्षेत्र में यह प्रयास करीगो। लेकिन पछिल 2-3 साल में जी अफुल एक चीज देखने कि यहाँ बरसात में बरसात जश्न होने और जिस समय में बर्फबारी पड़े बर्फबारी न होने तो बहुत सारा लोग कने की मौसम बदलाव होगा पर्यावरण उस तरीके का रहने हैं। तो आपको एक एक अच्छी देखा कि क्या हम अपन पर्यावरण के कहीं प्रदूषित तो नहीं करने की जय कसर आज हम गए मौसम परिवर्तन जस चीज में परिवर्तित होते हुए देखी न रहा। देखो पहली बात यह अच्छी कि ऋतु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि ये भी एक अलग चीज हाँ। और प्रदूषण एक अलग चीज है जी, जी। अगर हम ये देख लो दुनिया हिसाब देख लो तो दुनिया में जो हमारे पास जंगल थे उन्हें संख्या लगातार घटने और दुनिया में जो निर्माण काम चल रही दुनिया में जो वाहन बढ़ गई दुनिया में जो युद्ध और अपराध बढ़ गई इन और असर हमारे वातावरण में निश्चित रूप से पड़ना और योले समझने की बात है कि अति निर्माण जो है आज दुनिया समय फुल संकट बन पे रह रहा जी। यह अलावा जो हम ये देख लू कि हमारे लोग या दुनिया के जो लोग थे वो अलग अलग तरीके व्यवहार कर रहे हैं उन्हें जीवन कैसी चलो फुल जहाजों में चलनी फुल फैक्ट्री चलोनी फिर तमाम तरह का खनन काम करने और वो खनन जो आधार छ वो धरती आधार छ और जैव लगातार जैव जो ऋतु चक्र छ वो प्रभावित हूँ क्योंकि जो जल जंगल जन और जानवर जी जल जंगल जमीन जन और जानवर ये पांच जो चीज छे यूं वो छे जो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व है अधम शरीरा तो पांच तत्वों के संतुलन से यह हमारे पर्यावरण बनो और ये में कई चीजों का संतुलन जब टूटा चाहे वो हमारे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों उत्सर्जन हो चाहे वो ज्यादा अलग अलग औद्योगिक कारणों हो चाहे वो हमारे अति खनन हुई हो या फिर सीमेंट और कंक्रीट का ढेरों हुई हो यह संतुलन हमारे टूटना और यह संतुलन टूटना तो तय असर जो है वो समुद्र बटी लिबेर तमाम ग्लेशियरों तक और हमारा जो ध्रुव है उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव है वहां वहां तक पड़ना तय जो परिणाम से वो हमारे जीवन में या जो लोग जनर हम जा जो यहाँ आसपास लोग सो स्थानीय लोग सो हमारे जीवन में जल जंगल जमीन और महत्व जो हम जंगलों और पानी नजदीक रनी लोग सो प्रकृति नजदीक रनी लोग सो हमारे जीवन में सब ज्यादा तय असर पड़ना और पूरी दुनिया आज आज दिन में एक संकटक दौर में गुजरना है। बिल्कुल बिल्कुल तो एक चीज और है बच्चे सिंह जी देखो हम बात करनी आज पर्यावरण दिवस हम लोग मनोनी वाकई अपन जो पर्यावरण छोड़ सुरक्षित करने का हम बात करनी अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख लो तो यहाँ एक बढ़ता पर्यटन हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक आजीविका लीजिए बेहतर एक
माध्यम बन रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंताएं और बढ़ने के लिए कि हम लोग हिमालयी राज्य में हो तो हमारे केदारनाथ छे बद्रीनाथ छे हमारे अगर पास में हम देख लो नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जहाँ जहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट छे तो बहुत सारा पर्यटक होनी तो आए दिन हम देखने की वहां जो न कूड़ा प्रबंधन या इस तरीके की चीजों के लिए भी बात नहीं करी जने यानी कि जो होने की हम जय जाग के जनऊ जाके खराब नहीं करो तो उगे मद्देनजर रखते हुए उगे देखते हुए आपको की कंचाला मुझे लगना कि हमको बहुत संवेदनशील दृष्टि और संवेदनशील समझ जरूरत है जी कि जो हमारे हिमालय छे जो हिंदू कुछ हिमालय छे और हमारे जो मध्य हिमालय जैसे मुक्तेश्वर लगू हाँ। या फिर हमारे जो उच्च हिमालय छे जैसे केदार और बद्री धाम होने बिल्कुल यो बहुत नाजुक परितंत्र छ नाजुक संरचना छ और यो नई पहाड़ छ यो बनने ला रहा बिल्कुल एक निर्मित शुरू हो रहा है और एक जो आसपास लोग रहने अगर हम उत्तराखंड हिमालय की बात करूं तो हमारे पास जो है उत्तराखंड में कुल जमा मैदानी उत्तराखंड लगे हुए पर्वतीय उत्तराखंड में 60 लाख करीब आबादी और करीब 1.25 करोड़ आबादी हमारे मैदानी उत्तराखंड में छे जी ये मिला भी हमारे पास करीब 2 करोड़ लोगों लागे जाग छे और हम 6 करोड़ बटी 8 करोड़ पर्यटकों के यहाँ लगातार चल रहे हैं और यू पर्यटक उन पर्यटक में थे जो हमारे अर्थव्यवस्था के ठीक करना लीजिए होने रही यूँ वो लोग थे जो ये जाके गर्मी में आराम लीजिए उन्हें साथ साथ यहाँ ऐश कर उन्हें हमारी चिंता ये छ कि हमारे जो धाम छे वो हमारे तीर्थ छे हमारे मुक्ति धाम छे और हमारे जो ये पर्यटन स्थल छे यूं शांति अध्यात्म अध्ययन और प्रकृति प्रकृति आनंद देनी जाग छे यहाँ जो होने रही जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है यहाँ लोग ऐश करण और विलास करण होने रही जय कुल क्या होने रहा कि एक तो हमारे जो 2 करोड़ आबादी दीजिए जो चीज संसाधन छे उनके ऊपर 8 करोड़ बोझ पड़ने रहा और दूसरी तरफ ऐसे की वीक उनर जो छोड़ी हुई जो अवशेष छे चाहे वो मानव मलमूत्र छे चाहे वो प्लास्टिक छे या इनर गाड़ी बड़ी तेल निकलना या धू निकलना या फिर उनर जो खान पीन वाल पल चीज छे वो सब जो बोझ छे वो हमारे उत्तराखंड नाजुक परितंत्र में नाजुक हिमालय परितंत्र में पड़ना और सेकेंडली बेर पूरे हिमालयी राज्य लगातार सरकार से निवेदन करने रहे कि भाई हमारे पास अगर ये लगातार बोझ अगर बढ़ते जालो तो नाजुक हिमालयी परितंत्र तहस नहस होल और जैक दुष्परिणाम 2013 में ले देख रखा 2023 में ले देख रखा 2021 में ले देख रखा लेकिन आए जाने की नीति नियंत्रण ये समझना चाहिए तैयार रहते हैं जैक हम बहुत फिकर छ कि हिमालय में एक दूसरे जो पक्ष से हुई कि कहने की भाई हमारे पास जब राज्य बनी बात हमारे अधुखे बैंक खाल हो गई हमारे तमाम जग खाल हो गई लेकिन यूँ हिमालय में थार पूजो न रही वहाँ हेलीकॉप्टर पूजो न रही वहाँ रेल पूजो न चक्कर में थे और जेल हिमालय जो पूरे प्राकृतिक संरचना थी वो बिगड़ रहे तो हम ये चिंता में छो हम ये चिंता ये बातें चिंता कर लू कि हिमालय ततुक बोझ उठने हालत में नहीं बिल्कुल और अगर ये बोझ नहीं उठा लो अगर बोझ बढ़ते जा लो तो हिमालय में क्या हो भूगर्भी हलचल बलीन यहाँ भूस्खलन बढ़ोल और यहाँ बाढ़ और तबाही आल और तय जो अंततः जब तो तय परिणाम जो हूँ जैसे हम रामगढ़ आपदा में ले देखा कि अंततो गत्वा सब चीजों जो परिणाम छो वो स्थानीय वो लोग भुगतने जो तय चीजों के बढ़ावा देना की जिम्मेदार रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल यानी कि बहुत संवेदनशील जग से तो थोड़ा सा हम यहाँ संवेदनशीलता के देखते हुए यहाँ काम करन पड़ल ये में भल नीति बनौन पड़ल तो बहुत बढ़िया बात आ फूल करी बच्चे सिंह जी। लेकिन जैसे हम पर्यावरण दिवस मनानो तो हर साल एक न एक थीम के लिए यानी कि विषय के लिए बात करनो तो जैसे पच्चीस साल प्लास्टिक के लिए बात छी लेकिन ये बार एक जो थीम छ यानी विषय छ वो छ हमारे भूमि नारेक साक्ष भूमि बहाली ये के लिए आप लोग की कंचाला थोड़ा सा ये कि हमारे श्रोता और समझो तो सही अच्छा क्या आखिर असल में अगर हम ये थीम एक बात करो हर साल एक थीम लीजिए और वो वही चीज है जो जो विषय हूँ जिस विषय प्रकृति और पर्यावरण जुड़ी हुई हूँ अगले बेर जो थीम ली जा रहे मिट्टी और वो के लिए जी ऊपर एक दूसरा तरीके हम विचार कर लो करीब हमारे 6 सेंटीमीटर जो भूमि है मास बड़ी टॉप सॉयल जो है हाँ। वो टॉप सॉयल है हमारे काम एक चीज और ये खास तौर पर हमारे जो ढलान छे जो हमारे पर्वतीय उत्तराखंड का ढलान छे ये टॉप सॉयल बहुत कम मात्रा में हमारे पास है और तय कहूल करने की पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी काम नहीं आता है तो जो चीज छ तो तय बनन में कम से कम अरबों साल लगने तो यक दिनों काम लेते और जब हमारे आसपास में पूर्व तरीका अगर हम ठीक के समझ लू तो जो वन संरचनाएं सघनता गायब हो जाए उन्हें
बीच बड़ी पास पतेल है जाने झाड़ी और घास पास नह जान फूल पेड़ खाल रह जाने तो तय कसर हमारे माट में ले हूँ और हमारे जो माट छू तुरंत बैठ जा और हमारे खेती उत्पादकता कम हो जाए। हम ये देखूँ कि हमारे जो खेती उत्पादकता था वो जो है पूरी दुनिया चिंता सवाल से आ जाए दिन में पहले कि हम ये देखूँ कि हमारे मठ बनन में करोड़ों करोड़ बरस लगने और एक स्वीक नोक बराबर जो मठ हूँ उसमें 6 अरब तक जीवाणु होने जी। तो तय हिसाब अगर हम देख लू तो हमारे मठ के आज हमारे मठ जो संकट में छो हमारे मठ उत्पादकता कम होने हमारे मठ में उत्पादन जो होने रही गुणवत्ता कम होने उन चीजों उत्पादन कम होना जो मानव शरीर के स्वस्थ और समृद्ध करा उन चीजों बढ़ोतरी होने पड़ गया मठ में जो चीज हमारे परिवेश के लिए नुकसान पूजोने और हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचोने। तो यो एक बहुत बढ़िया विषय है जय विषय में हमारे किसानों के हमारे बागवानों के हमारे आस पास भाई बहनों के बहुत गहराई से सोचन चाहिए कि हम अपन माट के कतु जहर दे रहे हो कतु खाद दे रहे हो कतु भूखे ठग बेहतर न रहे कतु भूखे बचा बेहतर न रहे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे सिंह जी, आप बहुत बढ़िया बात करी और आज ये शुभ दिवस अवसर पर थोड़ा सा अपन पर्यावरण बारीकियों के जनक जो एक मनसा ची उगे साकार करने में आप मददगार साबित हो जा। तो जाते जाते हमारे कुमावानी श्रोताओं का आपको किस संदेश दिन चला या खास अवसर पर? विश्व पर्यावरण दिवस आये शुभ अवसर पर हम सभी भाई बहनों से जो खास निवेदन रोल कि अपन परिवेश से चिंता करा जे में मट ले शामिल छो हम ले शामिल छो पेड़ ले शामिल छे झाड़ी घास और सब चीज शामिल छो हमारे परिवेश के सुरक्षित समृद्ध और स्वस्थ बनाना लीजिए सबों के मिलजुल के काम करन पड़ल। बहुत बहुत धन्यवाद कुमाऊं वाणी के जी, धन्यवाद।